मुझे पक्का नहीं, बिल्कुल गारंटी है। क्या है सिर्फ आपको एक कदम मेरे कहने से लिख दिया और वो अभी दिख जाएगा आपको कि हाँ ये तो पे नहीं खत्म है, आप ही डालोगा हम नहीं देखना चाहते हैं। लड़कों में भी ऐसे ही फालतू भी है। कैसे ऐसे करते हैं लड़कों को, लड़के भी फालतू, ये तो रेजर से नहीं होगा ना। हाँ रेजर से ही होगा। नहीं रेजर से मत निकालो भैया, हार डालते हो। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत कम आई है, हार्ड नहीं बहुत कम आई है। रेजर ही उस तरह वही रेजर किसे बोल रहा हूँ, रेजर जो वो ब्लेड वाला होता है ना, उस तरह पे नहीं, नहीं वो जो धार वाला होता है, धार वाले से। और आज वैक्स करवाते थे। अरे ऐसा है वैक्स देखो, अभी पहले एक दफा करा लो, इससे कितने टाइम में आएंगे बाल, जितने आप वैक्स करा लो इतना ही करना पड़ेगा, एक दफा करा लो। जब तक देखो हम कोई चीज यूज नहीं करेंगे ना तो पता नहीं चलेगा उसका अच्छा का भी और बुरे का भी। ज़्यादा नहीं, नहीं इतना देर ठीक है। नहीं ठीक है, ये अभी मैं इसका भी बताता हूँ, ये सारे ये गिर जाए खुद का खुद गिर जाए। नहीं भैया ये तो बहुत निकाल दो तो, ये निकाल ठीक है। अब छोड़ो पेड़ छोड़ो कर, अब बिल्कुल ठीक है, ये वाले पे धार नहीं लगाएंगे कि वो नहीं निकालूंगा, रेजर से निकाल दूं मतलब। अभी तो सिर्फ आपको एक दफे कॉन्फिडेंस इसका एक दफे वो हो जाए ना विश्वास, तो बस वो हो जाएगा फिर तो आती हैं लड़कियां आपके ऐसे। हाँ हाँ देखो इसमें पता नहीं चल रहा हूँ मेरा, सबसे वैक्स में कितना दर्द होता है, धागा करवाया धागे में भी दर्द होता है, इसमें तो पता ही नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ जो है और स्किन भी सबसे क्लीन निकली है, देखो सामने सबसे क्लीन है, पीछे के भी निकली है। हाँ ये भी सब निकाल दो, देखो वैक्स तो हमेशा ही कराते हो आप, ये तो है। अब आपको कराने से ही पता चल गया होगा कि मैं इसे अगर वैक्स को महीने में एक बार करूँ मैं उतना ही रखूँगा, सेम जितना है रहने दो आप, मैं खुद कर लूँगा। तो आप इसे 15 दिन में भी करा सकते हो क्योंकि पेन खत्म हो गया, सबसे बेहतर चीज़ ही है वो, मैं सब ले वो बाद में दिखा के जितना आप बोलोगे वो। पढ़ाई नहीं पड़ेगी ना उन सैलून वालों ने, उन नारियों ने कर ले, अब उन कस्टमर ने तो पढ़े ही नहीं है, साफ सी बात है। मैंने वर्क किया है, मैंने पढ़ी है सारी। अब इसका आप अगर चाहो
गूगल पे भी सर्च कर लेना, यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना। ऐसे ही आता है, ऐसा ही आता है, उसको ज्यादा लोग मंगवा रहे हैं, खुद ही घर पे भी कर रहे हैं। देखो हर चीज नई ना, अब मैंने इतनी सारी वीडियो भी बना रखी है, फिर भी सबको नहीं पता चला अभी तक, सबको झटका लग रहा है अभी। देखो आसान हुई और स्क्रीन भी बढ़िया है, जैसे भी ये निकाले ना वैसे तो मैं कर दूंगा, दोनों तो बराबर रखूंगा, तो जवाब ही तो है ना। सबसे ज्यादा तो हमें मेन तो बाल स्किन अच्छी करने से और बाल निकालने से ही होता है ना, सबसे मेन चीज़ तो ये होती है। और दोनों जितनी भी चीज़ें हैं सारी उनमें पेन कितना है ये तो आप ही जानते हो, या करने वाला जानता है, मैं जानता हूँ। अब देखिए इसका आपको ये सारा तरीका बता देता हूँ, क्यों हमें कितना पेन देना पड़ता है, कितना वो करना पड़ता है। देखो जो हम पालन वाले हैं, सलून वाले हैं, हमें अपना पालन चलाना होता है, सेविंग के कोई इतना ज़्यादा पैसे नहीं है, समझ रहे हो आप तो, और बैग्स के बहुत पैसे हैं, तो हम कौन सी चीज़ करें जिसमें तो फिर कमाई ज़्यादा होगी ना। सिंपल सा आ गया होगा आपको इसमें, जितना आप बोलोगे मैं सब निकाल दूंगा। देखो पहले कमन कर, ठीक है, देखो कलम भी कितनी दोनों आ गई ना साइड। कितना तक ठीक है, बताओ मुझे वो सब दिखाई। नहीं क्या नहीं नहीं वो थोड़े कौन यहाँ पर लगा दी मैंने, कौन कर दिए वो, तो आपको एक शेप दे रहा हूँ बस। ये वो तो मैंने निकाली तरह से, वो थोड़ा है, लेकिन आज तो मैं थोड़ा सा कुछ अलग महसूस होगा क्योंकि एकदम क्लीन हुआ है। ये मैं धागे से निकाल दूँ या इससे कर दूँ? वो भी निकाल दो, पूरी नेक के निकाल दो पीछे क्या, ये नहीं नहीं बस सबसे पहली वो चीज़ आपको भी ये बताओ, ये आसान है क्या नहीं वैक्स के मामले में? है कोई पेन है, कोई महसूस हुआ? सबसे पहली चीज़ तो बेनिफिट यही है, बाकी जो अच्छे बुरे रिजल्ट हैं वो कुछ दिनों में नजर आए। हाँ खुद भी कर सकते हो, खुद के लिए भी मैं आपको एक रेजर दिखाऊंगा, वो कर सकते हैं घर पे, वो कर सकते। लेकिन उसका देखो वो जो है ना रेजर, एक और चीज़ है मैं वो भी बता दूँगा, वो ब्लेड नहीं है, वो एक मशीन है, जैसे ट्रिमर होती होगी सुना ही होगा आपने, लड़कों के लिए ट्रिमर होती है, तो वो ट्रिमर से है ना हमारे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होता है, मैं वो भी चीज़ बता देता हूँ। नहीं ट्रिमर नहीं, एक इसी टाइप में आ रहा है, इसी टाइप में तिरछा सा है। नहीं 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 उसमें कोई मशीन नहीं है, उसको भी मशीन नहीं है, मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ा है, मैं वही दिखाऊंगा आपको, लेकिन वो ब्लेड नहीं है, उसमें जो मशीन में दांते होते हैं ना वो है,
और जी रेजर से बढ़ती है, सबको ये पता है, लेकिन मैं आपको तरीका एक समझाने का ही जो समझ में आ जाए आसान में बता रहा हूँ। हम लड़के हैं ठीक, लड़कों की मैं कटिंग ही करता हूँ, ये मशीन से बाल काटता हूँ, ये सीजर से बाल काटता हूँ, लेकिन ये कान की जो रोंग साइड होती है गर्दन के पीछे, ये मैं रेजर से निकालता हूँ यानी ब्लेड से करता हूँ। यहाँ की भी ग्रोथ ज़्यादा होती चली जाती है, यहाँ की भी ग्रोथ दिन पर दिन और ज़्यादा होती है, यहाँ से भी यहाँ की ग्रोथ ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ मैं मशीन से भी काटता हूँ, लेकिन यहाँ की कान के पीछे की और गर्दन के पीछे की कम होती है। इतना सा आसान से ही समझ सकते हो आप, वहाँ की और कम होती है और सारी ज़िंदगी यहाँ की बढ़ती चली जाती है और यहाँ की घटती चली जाती है। ये तो मशीन नहीं, अब नहीं निकाल रहा मैं, अब तो बस ऐसे दोबारा मार रहा हूँ बस वैसे ही। आप अगर ज़्यादा ही समझना है ना तो गूगल से यूट्यूब से किसी से भी समझ सकते हो। नहीं नहीं हल्की सी निकालनी बस, देख लो जो एक्स्ट्रा नज़र आ रही ना बस, जैसे हेयर यहाँ पे है ऐसे ही निकाल। नहीं इसके लिए कोई ऑयल नहीं आता है इसे ऑयल सारे ग्रोथ बढ़ाने के कर रखे हैं और बढ़ती नहीं है उनसे किसी से भी। मेरे के लिए हर किसी ने क्या क्या ट्राई किया होगा, किसी से नहीं बढ़ती। हाँ घर पे भी एक आता है, वो घर पे वो यूज करता है। सबसे पहली बात है आपको हर दफे कितना पेन होता है ये सोचो आप। वहाँ तक जा रहा भाई जैसे आ रहे हो ना मेरे उनको आ रहे जो ब्लेड होती है उसकी सेफ्टी के लिए आपको सेफ होता है।